धारा 307 हटा गया है। अब कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग हो गया है। अगर ये किसी को उससे तकलीफ होती है तो उसका DNA टेस्ट करना चाहिए। इस देश का कोई भी राष्ट्रभक्त ये नहीं कहेगा कि धारा 370 वापस कश्मीर में लाना चाहिए या 35A लाना चाहिए। अब तो केंद्र सरकार ने कश्मीर में जो व्यापारी है, जो उद्योग जो है, उनको भी ज़मीन खरीदने के लिए परमिशन दिया है। उसका मतलब है अब कश्मीर में देश से किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ ज़मीन खरीद कर सकती है और अपना व्यापार उद्योग कर सकते हैं। अब वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ के लोग फिनेंशियली स्ट्रांग होंगे, वहाँ के लोग हिंदुस्तान के मुख्य धारा में आएंगे। जो लोग ये नहीं चाहते हैं, मुझे लगता है उनका पाकिस्तान से कोई रिश्ता हो सकता है।